हेलो गाइस, मेरा नाम सौम्या है और आप सबका द ओल्ड ग्रैड पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बहुत लोगों की डिमांड पर सेकिरो शेडोज डाई ट्वाइस गेम की स्टोरी को हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और मैंने अगर कुछ छोड़ दिया हो या फिर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। आज हम जिस गेम की स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है सेकिरो शेडोज डाई ट्वाइस। इस गेम की स्टोरी जापनीज कल्चर पे बेस्ड है और इस गेम में एक्शन और एडवेंचर भर भर के मिलेगा। स्टोरी की शुरुआत तब होती है जब सेंगोकू एरा लगभग खत्म होने वाला है और जापान के राज्यों के बीच में युद्ध का माहौल है। वहीं पर इशिन आशिना ने अपने राज्य को जनरल टामूरा को मार के बचाया है। आप इस नाम को याद रखिएगा, ये एक मुख्य किरदार है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जिसके हाथ में स्वॉर्ड है वो है हमारे इशी नाशिना और उनके ऑपोजिट से लड़ रहे हैं वो है जनरल टामूरा। इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है, लेकिन लास्ट में विजेता हमारे इशी नाशिना ही बनते हैं और उनके क्लैन का नाम, उनका राज्य का नाम उन्हीं के नाम पे आशिना क्लैन। आगे बैटल फील्ड में आउल को एक अनाथ बच्चा मिलता है। आउल खुद ही शिनोबी है और इशी नाशिना के सबऑर्डिनेट हैं। जब वो उस अनाथ बच्चे के चेहरे पे अपनी तलवार से कट लगाते हैं, उस बच्चे का कोई रिएक्शन ना मिलने पे हैरानी से पूछते हैं, क्यों बच्चे, क्या तुम्हारे पास कुछ खोने के लिए नहीं है? वो बच्चा तब भी कोई जवाब नहीं देता है। आउल उस बच्चे को अडॉप्ट करते हैं और उसे शिनोबी की तरह ट्रेन करते हैं, जैसे अपना नरूटो है। आगे वो उसे एक आयरन कोट देते हैं कि वो उसके पहले एब्सोल्यूट मास्टर हैं और अगर वो इसके अलावा किसी की कमांड सुनेगा तो वो सिर्फ लॉर्ड कुरो की सुनेगा। पूरी की पूरी स्टोरी इसी बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है और यही वो जगह है जहाँ पे पहली बार सेकिरो इस बच्चे से मिलता है। इस वक्त से लगभग 20 साल बाद सेकिरो ने अपने दोनों ही मास्टर को खो दिया है और वो ब्रोक डाउन हो चुका है। आशिना रिजर्वॉयर में उसे एक लेटर के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कुरो जो है वो मूनलाइट टावर पे है। सेकिरो मूनलाइट टावर पे कुरो से मिलने जाता है। कुरो उसे वहाँ बताता है कि यहाँ से भाग निकलने का पीछे की तरफ एक रास्ता है जो सिल्वर ग्रास फील्ड को होते हुए जाता है। कुरो को इस रास्ते के बारे में खुद इशी नाशिना ने बताया था। ये वही इशी नाशिना है जिन्होंने 20 साल पहले राज्य को जीता था। वो कहता है कि जब तुम वहाँ पहुँच जाना तो जो हमारा सीक्रेट विस्लिंग साउंड है उसे बजाना, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा होता है और जब ये लोग यहाँ से भाग के निकल रहे होते हैं, जैसे ही सिल्वर ग्रास फील्ड पहुँचते हैं तो देखते हैं लॉर्ड गनीचीरो वहाँ पे पहले से ही है। लॉर्ड गनीचीरो इशी नाशिना का ग्रैंडसन है और कुरो का अंकल है। लॉर्ड गनीचीरो कुरो को आशिना क्लैन से बाहर जाने से रोकता है, जिसकी वजह से सेकिरो और लॉर्ड गनीचीरो के बीच में युद्ध होता है। हमारा सेकिरो जो है इस युद्ध को जीत जाता है, लेकिन उसके बाद लॉर्ड गनीचीरो छल करता है और छल से सेकिरो का एक हाथ काट देता है और कुरो को अपने संग ले जाता है। सेकिरो जब भी अपनी आँख खोलता है तो वो देखता है कि उसने अपना एक हाथ खो दिया है और उसकी जगह पे एक प्रोस्थेटिक हाथ है उसके पास, जो उसे एक स्कल्पचर ने दिया था। स्कल्पचर का काम होता है बुद्धा की मूर्ति को बनाना। स्कल्पचर जब सेकिरो उठ जाता है तो उसकी आँखों को देख के कहता है कि इन्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे कोई शिनोबी है जो अपने मकसद में नाकाम हो गया है। क्या ऐसा सचमुच है या सिर्फ मुझे लग रहा है? शिनोबी उससे अपने हाथ के बारे में पूछता है, जिसका जवाब स्कल्पचर ये देता है कि ये शिनोबी प्रोस्थेटिक है। जब आगे उससे शिनोबी पूछता है कि मैं यहाँ पे कैसे आया, मुझे कौन लेके आया, तब स्कल्पचर बताता है कि मैं ही तुम्हें यहाँ पे खींच के लेके आया, लेकिन जिस समय मैं तुम्हें ला रहा था मुझे ये नहीं पता था कि तुम जीवित हो या फिर मर चुके हो। मैं बस ये नहीं चाहता था कि तुम्हारा शरीर जंगली जानवरों के हाथ लगे। स्कल्पचर बताता है कि गनीचीरो जो है कुरो को वापस आशिना कैसल ले गया है और ये सारी चीज़ें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि कुरो के ब्लड लाइन में कुछ मैजिकल है, एक ऐसी शक्ति है कि जिसके भी पास ये ब्लड लाइन पावर हो उन्हें किसी भी तरीके से मारा नहीं जा सकता है, उनके मृत्यु के कोई कारण नहीं हो सकता है, और यही शक्ति अब तुम्हारे अंदर भी है और तुम्हें ये शक्ति कुरो से मिली है। जब सेकिरो को पता चलता है कि कुरो आशिना कैसल में है तो वो आशिना कैसल की ओर बढ़ता है। कुरो से मिलने से पहले उसे बहुत से योद्धाओं से लड़ाई करनी पड़ती है, जैसे कि जनरल नमोरी, चेंड ओग्रे जो कि एक जाइंट राक्षस है, जनरल टेंजिन, एक विशाल सांप मिलता है जिससे उसे बच के जाना पड़ता है, और कैसल का जो मेन गेट है वहाँ पे उसे गायोबू मसाटाका मिलता है जो कि एक घुड़सवार है जिसका काम है गेट की निगरानी करना कि कोई भी उस गेट के अंदर ना जा पाए। उसके बाद उसे एक पागल सांड से भी उलझना पड़ता है और इतना सब करने के बाद उसे कैसल के अंदर एंट्री मिलती है। आशिना कैसल के सबसे ऊँचे टावर पर कुरो की होने की संभावना होती है,
सकीरो जब कुरो से मिलने जाता है तो वहां पे लॉर्ड गनीचीरो और एक लेडी के बीच की बातचीत सुनता है, जिसमें लॉर्ड गनीचीरो इशी नाशीना के बारे में पूछ रहे होते हैं और लेडी बताती है कि खुद में ताजुब की बात है कि इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद वो जिंदा है। आगे गनीचीरो और लॉर्ड कुरो की कन्वर्सेशन सुनता है सकीरो, जिसमें लॉर्ड गनीचीरो कुरो से कहता है कि मुझे भी तुम अपनी इस इमॉर्टैलिटी की रेस में शामिल कर लो, मैं भी इमॉर्टल होना चाहता हूँ, और कुरो साफ मना कर देता है। कुरो आगे कहता है कि उस दिन सकीरो को जो तुमने हराया और तुम्हें लगा कि तुम जीत गए, वो तुम्हारी जीत जीत नहीं थी। मुझे पूरा यकीन है कि सकीरो वापस आएगा और मुझे बचा के ले जाएगा। और बिल्कुल हीरो वाली एंट्री लेते हुए सकीरो उसी समय गनीचीरो के सामने आ जाता है और उनके बीच में वापस से घमासान युद्ध होता है। सकीरो और गनीचीरो की लड़ाई में सकीरो जीत जाता है। सकीरो जीतने के बाद जब कुरो से मिलने जाता है तब उससे वहाँ पर वही लेडी मिलती है। वो लेडी बताती है कि उसका नाम लेडी एमा है और वो प्रोफेशन से एक डॉक्टर है। उसे यहाँ पे इशी नाशीना की देखरेख के लिए रखा गया है। लेडी एमा बताती हैं कि कुरो की मदद करने के लिए उसे खुद इशी नाशीना ने कहा है। और जो आशीना रिजर्वॉयर में सकीरो को लेटर मिला था जिसमें लिखित था कि कुरो मूनलाइट टावर पे है, वो लेटर भी उसे लेडी एमा ने ही दिया था। सकीरो जब कुरो से मिलने जाता है और कहता है कि अब हम यहाँ से भाग सकते हैं, मैंने गनीचीरो को मार दिया। कुरो बताता है कि वो उससे मदद चाहता है और ये जो इमॉर्टैलिटी की अमरने की जो ताकत है वो उसे ख़त्म करना चाहता है, और ये ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इमॉर्टैलिटी की लालच में मनुष्य जो है वो करप्ट हो चुके हैं, और इसके अति इस्तेमाल करने से एक ऐसी बीमारी फैलती है जो केवल उन लोगों को हानि पहुँचाती है जिनके पास ये शक्ति नहीं है, और वो इस पावर को ख़त्म करना चाहता है और इसके लिए उसे सकीरो की मदद की ज़रूरत है। सकीरो भी मान जाता है और ये डिसाइड करता है कि हम लोग मिलके इस इमॉर्टैलिटी की पावर को ख़त्म करेंगे। कुरो से कहता है कि सकीरो को एक बार जाके इशी नाशीना से मिलना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता देंगे कि क्या तरीका है, किस तरीके से इस इमॉर्टैलिटी को ख़त्म किया जा सकता है। सकीरो जब इशी नाशीना से मिलने जाता है तो इशी नाशीना सबसे पहले उसे बधाई देते हैं गनीचीरो को हराने के लिए, और कहते हैं कि वो करप्ट हो चुका था, और बधाई के रूप में साके भी देते हैं। इशी नाशीना सकीरो से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। सकीरो बताता है कि कुरो चाहता है कि हम इमॉर्टैलिटी को ख़त्म कर दें, मैं जानना चाहता हूँ कि ये कैसे हो सकता है। इशी नाशीना बताते हैं कि इसके लिए हमें मॉर्टल ब्लेड की ज़रूरत पड़ेगी। मॉर्टल ब्लेड एक ऐसा वेपन है जिससे इन्फेस्टेड लोगों को, यानी कि वो लोग जिनका अगर गला भी काट दिया जाए या उनसे कहीं भी उन्हें स्टैब किया जाए वो नॉर्मल मीन से नहीं मर सकते, उन लोगों को मारने के लिए हमें मॉर्टल ब्लेड की ज़रूरत पड़ती है। सकीरो पूछता है कि मॉर्टल ब्लेड हमें कहाँ मिलेगा, जिस पे इशी नाशीना बताते हैं कि ये हमें सेम्पो टेम्पल पे मिलेगा। आगे सकीरो पूछता है कि हम सेम्पो टेम्पल तक कैसे जा सकते हैं। इशी नाशीना बताते हैं कि वहाँ जाने का कोई सीधा रास्ता नहीं है, लेकिन आशीना कैसल के बाहर एबेंडेंट डंजन है, उससे होके तुम पहुँच सकते हो सेम्पो टेम्पल तक। सकीरो जब आशीना से मिल के आता है तो फिर कुरो को बताता है कि हमें मॉर्टैलिटी को ख़त्म करने के लिए मॉर्टल ब्लेड की ज़रूरत पड़ेगी। तब कुरो से बताते हैं मैं सिर्फ मॉर्टल ब्लेड ही नहीं, दो चीज़ों की और ज़रूरत पड़ेगी। पहला एक वाइट लोटस फ्लावर जिसकी स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है और ये हमें डीप संकन वैली में मिलेगा, और दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है एक सेंटेड स्टोन जो हमें मीबू विलेज में मिलेगा। ये जानने के बाद वो चला जाता है मॉर्टल ब्लेड की तलाश में। सकीरो जब सेम्पो टेम्पल की ओर बढ़ता है, वहाँ जाता है तो एक पिक्चर उससे बात करती है और बताती है कि यहाँ के जो मॉन्क हैं वो करप्ट हो चुके हैं और बुद्धा की जितनी भी बताई हुई बातें हैं वो उसे भूल चुके हैं, तो अगर तुम पकड़े जाते हो तो पता नहीं वो लोग तुम्हारे संग क्या करेंगे, लेकिन तुम फिर भी जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ और मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करूँगा। इतना सुनने के बाद सकीरो जब टेम्पल के अंदर जाता है और ब्लेड को उठाने की कोशिश करता है, वहाँ उसे एक लड़की मिलती है जो उसे वॉर्न करती है कि जिस किसी ने भी इस ब्लेड को उठाने की कोशिश की है वो मर जाता है, अगर तुम फिर भी कोशिश करना चाहते हो तो आगे बढ़ो। सकीरो जब इस ब्लेड को उठाता है तो ब्लेड की पावर की वजह से वो भी मर जाता है, लेकिन इसके पास इमॉर्टैलिटी की पावर है जो इसे कुरो से मिली थी, वो वापस से जिंदा हो जाता है। इतना देखने के बाद वो आश्चर्य से पूछती है कि तुम जिंदा कैसे हो और तुम इस ब्लेड का क्या करोगे। सकीरो बताता है कि इस ब्लेड की हेल्प से मैं डिवाइन रेल्म में जाना चाहता हूँ, वहां जाके ड्रैगन टीयर्स को कलेक्ट करूंगा और इसे इमॉर्टैलिटी को खत्म करने की कोशिश है मेरी। लड़की आगे अपने परिचय में बताती है कि कुछ लोग जो इमॉर्टैलिटी को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे कुछ बच्चों के ऊपर, और इस प्रोसेस में इकलौती मैं ही बची हूँ जो जिंदा हूँ और मेरे अंदर भी ये ड्रैगन हेरिटेज की पावर है। वो आगे बोलती है कि मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें असिस्ट करूंगी इस इमॉर्टैलिटी को खत्म करने के लिए, क्योंकि इमॉर्टैलिटी की लालच ने लोगों को करप्ट कर दिया है।
सेकिरो जब उस मॉर्टर ब्लेड को लेकर लौटता है तो फिर संकन वैली की तरफ जाता है। वहाँ एक मीबू नाम के विलेज में उसे एक सेंटेड स्टोन मिलता है। मीबू विलेज से सेंटेड स्टोन को लेने के बाद सेकिरो वापस संकन वैली की तरफ जाता है उस फूल की तलाश में। जब वो वहां जाता है तो देखता है कि फूल की लालच में पहले से ही एक जाइंट चिंपैंजी बैठा हुआ है, और अगर सेकिरो को फूल चाहिए उसके लिए पहले उसे उस जाइंट चिंपैंजी को हराना पड़ेगा। जाइंट चिंपैंजी और सेकिरो के बीच में घमासान युद्ध होता है। ये एक बहुत मुश्किल फाइट होती है और देखने लायक दृश्य होता है। जब वो उस चिंपैंजी को मार देता है तो उस व्हाइट फ्लावर को उठा के जाता है वापस आशीना कैसल में कूरो के पास। सेकिरो वहाँ पे सुनता है कि कूरो और आउल आउल यानी उसके फादर द ग्रेट शिनोबी उनके बीच में कुछ बातचीत हो रही है, जिसमें कूरो कहता है कि मैंने तो आपके मरने की कहानियाँ सुनी थी, लेकिन आप अभी भी मेरे सामने ज़िंदा खड़े हैं। आखिर आप क्या षड्यंत्र रच रहे हैं? जिस पे आउल कहता है कि मैं कोई प्लान नहीं बना रहा हूँ, मैं तो खाली डिवाइन हेयर की रक्षा करना चाहता हूँ उन लोगों से जो उसका एस्टीम्ड ब्लड निकालना चाहते हैं। जिस पे कूरो कहता है कि यानी तुम्हें भी इमोर्टैलिटी की लालच हो गई है और तुम भी करप्ट हो गए हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम यहाँ से जा सकते हो। और राहुल कहता है कि मुझे जो चाहिए मैं उसे लिए बिना नहीं जाऊँगा। इनके बातचीत के बीच वहीं पे सेकिरो पहुँच जाता है और आउल से कहता है कि फादर मुझे तो लगा कि आप उस रात मर गए हैं। जिस पे आउल कहता है कि मुझे भी यही लगा कि तुम उस रात मर गए हो, लेकिन क्योंकि अब तुम जिंदा हो तो मैं तुम्हें तुम्हारा आयरन कोड याद दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारा पहला मास्टर हूँ, और मैं तुम्हें ये ऑर्डर देता हूँ कि कूरो अब तुम्हारा मास्टर नहीं है। और आगे फिर सेकिरो कहता है कि ये मैं आपकी बात नहीं मान सकता। आउल उसे वापस उसका आयरन कोड याद दिलाता है, जिसके जवाब में सेकिरो कहता है कि एक इंडिविजुअल का राइट है कि वो डिसाइड करे कि वो किस कोड को फॉलो करेगा और किसको नहीं करेगा। और इतना सुनने के बाद आउल भी गुस्से में आ जाता है और आउल और सेकिरो के बीच में युद्ध होता है। ये अब तक की बहुत मुश्किल लड़ाई होती है और बहुत मुश्किल लड़ाई करने के बाद आउल को सेकिरो मार देता है। जब अपने फादर द ग्रेट शिनोबी आउल को मारने के बाद सेकिरो वापस कूरो के पास लौटता है तो कूरो से माफ़ी भी मांगता है कि तुम्हें मेरे इस विश को पूरा करने के लिए और इमोर्टैलिटी को ख़त्म करने के लिए अपने फादर को भी मारना पड़ा। उसके बाद सेकिरो कहता है कि मैं ये फादर के पास से साकुरा ट्री की ब्रांच लेके आया हूँ और यही फाइनल इंग्रेडिएंट है जिसकी हमें ज़रूरत है। कूरो कहता है कि एमा ने लेडी एमा ने एक बार जिक्र किया था कि जो लॉर्ड टेकिरो थे वो इस पेड़ की ब्रांच को इस पेड़ को लेके आए थे डिवाइन रेल्म से। कूरो सेकिरो से कहता है कि हमारे पास वो सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं जिनसे हम फाउंटेन हेड पैलेस तक जा सकते हैं, जैसे कि वाइट लोटस फ्लावर जो हमें संकन वैली से मिला है, सेंटेड स्टोन जो हमें मीबू विलेज से मिला है, और साकुरा ट्री की ब्रांच जो हमें आउल के पास से मिली। बस अगर कुछ रह गया है तो वो है ड्रैगन हेरिटेज का ब्लड जो हमें मॉर्टल ब्लेड से मिलेगा। कूरो सेकिरो से उसका मॉर्टल ब्लेड मांगता है और अपने चेस्ट पे एक छोटा सा कट करता है और ब्लड को अपने उन्हीं इंग्रेडिएंट्स के संग मिला देता है और फिर उसे इंसेंस बर्नर में जलाया जाता है। इंसेंस बर्नर में जलाने के बाद एक खुशबू निकलती है जो फाउंटेन हेड की होती है। हमें उस इंसेंस बर्नर को लेके वहीं वापस मीबू विलेज जाना होता है और उसी पेलिक्वीन में बैठना होता है जैसे कि एक दुल्हन अपने विदाई में बैठती है, जिसे यहाँ पे स्वीट ब्राइडल ऑफरिंग कहा गया। इस फाउंटेन हेड पैलेस की खुशबू को सूंघकर फाउंटेन हेड पैलेस से एक जाइंट क्रिएचर आता है, पेलिक्वीन को अपने साथ उठा के फाउंटेन हेड पैलेस तक ले जाता है, जिसकी वजह से सेकिरो बियर फाउंटेन हेड पैलेस तक पहुँच गया है। क्लू की हेल्प से सेकिरो जब डिवाइन रेम तक पहुंच जाता है तो वहां वो जाके ड्रैगन को देखता है, एक ऐसा विशाल ड्रैगन जिसको मारना लगभग नामुमकिन है क्योंकि उसके पास भी ड्रैगन हेरिटेज की पावर है ऑफ कोर्स। और उसके बाद ड्रैगन के बीच में और सेकिरो के बीच में बेहद मुश्किल फाइट होती है, जिसमें किसी तरह वो ड्रैगन को ज़ख्मी करता है और ड्रैगन टीयर्स को इकट्ठा कर पाना संभव करता है। जब वो ड्रैगन टीयर्स को लेके वापस आता है कूरो के पास तो देखता है कि वहाँ पे उसे न्यूज़ मिलती है कि ईशिन आशीना जो है मर चुके हैं, और एमा लेडी एमा उसे बताती हैं कि जो कूरो है वो सीक्रेट पैसेज से कैसल के बाहर चले गए हैं और मून लाउड टावर से थोड़ी दूर पे सिल्वर ग्रास फील्ड, जिसका जिक्र पहले भी है, वहाँ पे सेकिरो का इंतज़ार कर रहे हैं। जब सेकिरो सिल्वर ग्रास फील्ड तक पहुँचता है तो वहाँ जाके देखता है गेनिचिरो ने कूरो को बंदी बना रखा है और उसे ज़ख्मी करा हुआ है, उसे नुकसान पहुँचाया है। वहाँ हमें पता चलता है कि गनिचिरो के पास सेकेंड मॉर्टल ब्लेड है जिसका नाम ब्लैक मॉर्टल ब्लेड है। गनिचिरो के पास जाता है सेकिरो और कूरो को बचाने की कोशिश करता है। वहाँ पे वापस गनिचिरो और सेकिरो के बीच में युद्ध होता है और गनिचिरो फिर से हार जाता है।
किसी तरह गनिजीरो अपने अंदर से इशी नाशीना को लेके आता है, और ये इशी नाशीना इस समय के बुजुर्ग इशी नाशीना नहीं है, ये उस समय के इशी नाशीना है जो बहुत ही शक्तिशाली थे और जिन्होंने कुछ साल पहले इशी नाशीना ने इस पूरे कैसल को, इस पूरे आशीना क्लैन को आज़ाद कराया था, स्वतंत्र कराया था जीत के। कि वहाँ पे इशी नाशीना और सकीरो के बीच में टफ फाइट होती है, ये अब तक की टफेस्ट बॉस फाइटों में गिनी जाती है और ये बहुत ही कम गेमों में हमें देखने के लिए मिलती है। इस फाइट को जीतना बहुत बहुत मुश्किल है और इस गेम में सबसे ज़्यादा मुश्किल इसी फाइट को जीतना रहता है। सकीरो और गनिचीरो जो अब इशी नाशीना बन चुके हैं, इनके बीच की फ़ाइट में बहुत मुश्किलों के बाद सकीरो जो है इस फाइट को जीत जाता है। इशी नाशीना को हराने के बाद सकीरो तुरंत इंजर्ड कुरो के पास जाता है और उसे उठाने के बाद उसे ड्रैगन टीयर्स ऑफर करता है, और इस तरह वो इमोर्टैलिटी को ख़त्म करने में कुरो की मदद करता है और अपने मास्टर की विश को पूरा करता है। Shinobi, now! Sever these knots!